क्रिकेट के मैदान से जिंदगी की जंग, हर चीज में रहे नंबर वन। मैदान पर थी चीते की फुर्ती, गेंदबाजों को करते थे बेदम। खुद के दम पर बनाया अपना जहां, हासिल की बुलंदी नहीं पहुंचा कोई वहां। बुलंद इरादों के आगे चूर हुए बड़े बड़े चट्टान, मिसाल ऐसी कि सभी करे सम्मान। नहीं था कोई गॉडफादर इनका, बल्लेबाजी से विरोधियों को उड़ाते थे समझ तिनका। 2 अप्रैल 2011 मैदान मुंबई का वानखेड़े, जोश से भरा और जमीन पर बैठा भारत का एक बल्लेबाज। खून की उल्टियां हुई लेकिन परवाह नहीं, हिम्मत और हौसले की नहीं थी कमी। ये वो पल था जिसके सपने हम 1983 के बाद से देख रहे थे। आंखों पर यकीन न हुआ, खुशी से मैदान पर ब्लू आर्मी के लड़ाके झूम रहे थे। आंखों में नमी थी जो बाहर आने को बेताब थी। आखिरकार छलक ही पड़े खुशी के आंसू। हर तरफ भारत की जयकार गूंज रही थी। स्टेडियम में फैंस भी थे भावुक। सभी को मानो इस पल का ऐसे इंतजार था कि वो इसी के लिए जी रहे हों। जी हाँ, इसी दिन टीम इंडिया विश्व चैंपियन बनी थी। 1983 के बाद से फैंस और खिलाड़ियों को इस पल का इंतजार था। आखिरकार 2 अप्रैल 2011 को भारत ने एक खिताब चूमा। ऐसे ही पल में लाखों फैंस और खिलाड़ियों के बीच एक ऐसा भी फाइटर था जिसके चेहरे पर थी एक अलग ही चमक। वो भी खुशी से झूम रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो अब उसका काम हो गया। उसे अपने देश के लिए जो करना था कर डाला। वो अंदर से बीमार था, खून की उल्टियां हुई, लेकिन उसने अपने जोश और उत्साह में कमी नहीं आने दी। वो लड़ता रहा और तब तक नहीं थका जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचा। आखिर जिद थी कि मंजिल तक पहुंचना है, अपनी टीम को चैंपियन बनाना है, फैंस को अब की निराश नहीं करना है। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के फाइटर, कभी न हारने वाले खिलाड़ी युवराज सिंह की, टीम इंडिया को जिसने चैंपियन बनाया। कहते हैं ना, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गया आसमान से। जिया युवराज सिंह की कभी हार न मानने वाली मानसिकता ने उन्हें एक चैंपियन खिलाड़ी बनाया। चाहे बात मैदान की हो या फिर जिंदगी से जंग की, सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान उनको खून की उल्टियां हो रही थी। फैंस के यूवी ने हालांकि अपनी परवाह नहीं की और टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। टूर्नामेंट में 20 मार्च को भारतीय टीम ने चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ लीग मैच खेला। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान धोनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। देखते ही देखते दिग्गज सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे युवराज सिंह और उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली। 10 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 113 रन बनाए। इस शतकीय पारी के दौरान युवराज सिंह के मुंह से खून निकलने लगा। उन्हें मैदान पर खून की उल्टी भी हुई। बाद में पता चला कि उनको कैंसर था, लेकिन इस बात की जानकारी ना तो टीम मैनेजमेंट को थी और न ही खुद युवराज को। इसके बावजूद युवराज डटे रहे और पूरा टूर्नामेंट खेला। इतना ही नहीं, टूर्नामेंट में 1 शतक और 4 अर्धशतकों की मदद से कुल 362 रन और 15 विकेट लेने वाले यूवी ने मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी भी अपने नाम की। साल 2014 में युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था, पहले मुझे लगा कि उल्टी मुझे गर्मी की वजह से हुई। मैं 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरा था, लेकिन वीरू वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो फैसला किया कि ऊपर जाऊंगा और बड़ा स्कोर करूंगा। जब चेन्नई में शतकीय पारी के दौरान उल्टी हुई तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, जो भी हो अगर मैं मर भी जाऊं तो भी वर्ल्ड कप भारत ही जीते। ऐसा था ये चैंपियन जिसे नहीं थी अपनी परवाह, जो टीम के आगे खुद को न्योछावर कर दे। इसके बाद इस फाइटर ने कैंसर से भी जंग लड़ी, जीते और दोबारा मैदान पर वापसी भी की। लेकिन कहते हैं ना, जब आप इतने बड़े खिलाड़ी को सम्मान नहीं देंगे, उनके किए को भुला देंगे, तो आखिरकार उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। उन्हें भी इस बात की आज भी कसक है कि उनका कोई गॉडफादर नहीं रहा। प्रदर्शन के बावजूद भी उनसे किनारा किया गया, जो भारतीय क्रिकेट की सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।